हे भगवान, मन ने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद अपने बाप की भी नहीं सुनता। अरे मेरे दबंग बापू, तू पहले ये बता कि तू मरेगा कैसे? पंखे से लटक के मरेगा क्या भाई? अगर इसके वजन से पंखा टूट गया ना तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान तो मैं मरने के बाद ना होने दूं। मैं तो कपाल बाती करूंगा, कपाल कपाल करूं, बाती बाती रहने दे, ऐसे टाइम बोल जाएगी। हे लोग, तो मुझे ये बताओ कि मारे मरने पर जो अंतिम संस्कार होगा उस पर खर्चा कितना करोगे? क्योंकि जो जितना कम खर्चा करेगा उसकी फीस में ज्यादा माल डालूंगा। बापू जी, आपको देख के लगता हुआ कि मैं 10,000 का खर्चा करूंगा। क्या है कि आलू की पानी वाली सब्जी बनवा लेंगे और गुड़ की मिठाई बनवा लेंगे, क्या बोलते हो? 10,000 खर्चा करेगा, दिमाग खराब हो गया है। हाय 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 हाय, मिठाई क्यों बनवाएगा? हरा बापू मरे, सास की शादी नहीं हो रही है। अरे बापू, बता बेटे, तू बता। मैं बोलता हूं 5,000 पे खर्चा होगा सिर्फ। वो कैसे बेटा? देखो, हम कार छपवाएंगे, उस पे लिखा देंगे खाने का टाइम रात के 2 से 4 बजे, कोई आएगा ही नहीं। हाय हाय हाय, ये मेरी पक्की घणी औलाद है। हाय हाय हाय, तू बेटा, तेरे पे मेहनत तो कम हुई, ये रिजल्ट पूरा आया हुआ है। अरे भगवान, इसकी रगों में तुम्हारा खून है, इसमें किसका है? बता, लेके कैसे जाओगे अंतिम संस्कार करने? अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक आप जहाँ भी गए हो, या तो लिफ्ट लेकर गए हो या पैदल गए हो, और तो और जब मैं पैदा होने वाला था तब भी पैदल ही निकल के डॉक्टर को लेने, बाद में जब वापिस आए तो मैंने दरवाजा खोला। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ इनको सरकारी बस में बिठा देंगे, पैसे भी नहीं लगेंगे। ओए तू बता। मैं तो कहता हूँ बापू की टांग ना साइकिल के पीछे बांध के इनको घसीटते ले चलेंगे। ये भी ठीक है। अरे कमीनो, इससे अच्छा हमारी चप्पल ला दो, पहले शमशान घाट जाके बैठ जाता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ बाकी बातें छोड़ो, मैं हलवाई बुक कर दूँ कहीं। कर दे कर दे कर दे। अरे मारो, फोन भी बज गयो, किसका फोन आ गयो? राम राम भाईओ। हैं, अरे क्या बात कर रहे हो भाईओ? अरे पीसो का नुकसान हो जाओगे। राम राम। आए 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 भाईओ, मारो मन्नो कैंसल। अरे क्या बात कर रहा है बापू, तो नहीं मजाक बना रखा यार? अरे मजाक तो तू है, मन ने जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। भगवान, आज 2 रोटी सेक लियो। लेकिन हुआ क्या, किसका फोन था? शमशान घाट वाले का था, उसने बोले हो जो ऑफर चल रहा था समाप्त हो गया। तो मैंने सोचो फिर मर के फिजूल खर्ची क्यों करे। अरे फिजूल खर्ची तो हो गई, मैंने हलवाई बुक कर दिया, उसको एडवांस भी दे दिया। बापू जी, उसने तो पैसे वापस मोड़ने भी नहीं। आए इतना इतना नुकसान कौन भरपाई करेगा, इतने पैसे का नुकसान हो गया भाई। अरे भगवान, कुछ सोच सोच भगवान। मैं क्या सोचूं आप, क्या मैं ही मर जाऊं? जिंदगी में पहली बार पते की बात करी है, आइडियो बुरो नहीं है। आए हाय, कब तक जियोगी, मारे खून पियोगी? मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। ऐसे कैसे मार जाएगी मम्मी को? पीसो सलामत रहना चाहिए, मम्मी तो और आ जाएगी। मरने दे मरने दे मरने दे। हाँ तो मैं भी स्कीम पूछ रहा हूँ, कैसे मारना कैसे, ये बताओ। हाँ ये मारो बेटा, पकड़ ले पकड़ ले बेटा, पकड़ ले कहीं से खुलते उलते भी है क्या आप? ये मेरा स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है, और ये मेरा भाई है। आज जो बताया था मैंने कि एकदम एकदम फुर्तीला आदमी है, एकदम एक्टिव आदमी है, वो है ये। उठाओ। हाँ। यही नौकरी की जो बात। यंग बॉय, आप मिलो नो इंटरव्यू करते हैं। पहले एक बात बताना, तुम फायर ब्रिगेड में आना क्यों चाहते हो? क्योंकि रेड मेरा फेवरेट कलर है। नहीं नहीं, रेड 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 मतलब लाल, लाल मतलब खून, खून खराब, एकदम मर्द आदमी है ये, एकदम डरता नहीं है। अरे भाई, हॉबीज क्या क्या है? स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं 12-12 घंटे तक लाइव क्रिकेट देख लेता हूँ। वेरी गुड, खेलते नहीं क्या? नहीं नहीं, ये एक क्रिकेट नहीं खेलता है, ये कुछ और खेलता है, ये अपना ये कुश्ती खेलता है, कुश्ती का प्लेयर है। किसके साथ? तकिए के साथ। वो कैसे? वो क्या है ना, इसको मारो मत। अच्छा अच्छा, चलो कुछ चक्कर आते। क्या है ना कि हमारे गांव में मिट्टी नहीं है, इसलिए तकिया के साथ खेलते हैं। इतने बदनसीब लोग हैं, गांव में मिट्टी तक नहीं है, लेकिन एक फायदा होता होगा, तुम्हारे गांव के लोगों के आंख में कोई धूल नहीं डालता होगा। नहीं नहीं, एक और फायदा है, हमारे गांव का कोई छोटा बच्चा मुंह में मिट्टी नहीं डालता है। ये बार बार क्यों छू रहे हैं इसको? जो चीज तकलीफ दे उसको निकाल देना चाहिए। आराम से। हाँ।
आखिरी सवाल, जब आग लगती है तो क्या करते हैं पहले? पानी डालते हैं। वेरी गुड, नौकरी पक्की। स्टाइल है ना, स्टाइल है ना। नहीं नहीं, फोन बजाए। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। मुबारक हो, जैसे काम पे लगे वैसे पूरी हो गई है। आग लगा है, एक मिनट। आ रहे हम लोग, आ रहे। चलो, आग लगी भाई, जाना है। आग बुझाने का काम नहीं करूंगा मैं। अरे भाई, आग बुझाने का काम नहीं करो तो और क्या करोगे? फायर ब्रिगेड में? मुझे लगा फायर ब्रिगेड में घूमते होंगे, घूमने को मिलेगा। कल फायर ब्रिगेड में घूमने को आया, मैं तुम्हें काम पे से निकाल दिया। लेकिन एक बार अगर मैं चलूं इसके बदले में तो? तू अभी जाने दो, नौकरी चली गई तो क्या कर सकते हैं, कोई गम नहीं है, सो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे एक बात का बहुत गम रहेगा। क्या भैया? एक मेरा छोटा भाई था, हा? उसको मैंने अपने हाथों ही जान से मार दिया था। अब जो है वक्त हो चला है सोशल मीडिया के चटपटे चुटकुले का, तो आज का जो चुटकुला है वो आया है शादी के कड़वे ग्रुप में। एक बार एक औरत मॉल में से बिस्किट का पैकेट चोरी करती हुई पकड़ी गई, तो उसको जज ने कहा, तुमने जो बिस्किट का पैकेट चुराया है उसमें 10 बिस्किट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की सजा होगी। पीछे से पति चिल्लाया, अरे इसने सौंफ का भी पैकेट चुराया है, और बढ़ाओ। तो अब जो है वक्त हो चला है उनके आने का, जो ऐसा करते हैं, मतलब जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सोशल बाबा का। बोलो सोशल बाबा की। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आप ध्यान में थे? नींद में थे, नींद आ गई। आपका एक ऑनलाइन भक्त पूछ रहा है कि अमेरिका में जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें कौन जीता था? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। बताइए ना बाबा जी, कौन जीता था? वही जीता होगा जिसको ज्यादा वोट मिले हैं। वाह बाबा जी वाह, आप तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, अंतर्यामी है, और मैं तो कहती हूँ कि आप पुरुष ही नहीं है, मेरा मतलब महापुरुष है, महापुरुष। अंदाज अपना अपना देख के आई है लगता है। बोलो सोशल बाबा की। बताइए किसकी क्या समस्या है? बाबा जी प्रणाम, मेरा बेटा सोशल मीडिया पे लगा रहता है सारे दिन, वो कोई काम नहीं करता। सोशल बाबा के सामने सोशल मीडिया की बदनामी? वो तो हमारा परम भक्त लगता है भाई, तुम्हें क्या लगता है सोशल मीडिया पे मेहनत नहीं होती? अपनी गंदी सी शक्ल को फोटोशॉप पे खूबसूरत बनाना। बाबा जी मैं चाहता हूँ वो काम करे। तो ऐसा करो, सुबह सुबह उठकर बाबा का ध्यान धर के अपने वाईफाई राउटर को गर्म पानी से स्नान कराओ। वो खराब हो जाएगा। बेटा तो बच जाएगा। आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे ट्रेंडी तो कहती थी ना मेरा भाई कुछ नहीं कर सकता, आज मैं ऐसा काम कराया हूँ, ऐसा काम कराया हूँ कि तू सोचती रह जाएगी। कोई ऐसा काम तो नहीं करा जिससे जीजा की बदनामी हो? बाबा जी आपको पता नहीं, मेरे को एक एड फिल्म में काम मिल गया है। एड फिल्म में? अब मेरा भाई ना सुपर स्टार बन जाएगा। आ जाओ जमीन पे आ जाओ। थोड़ा तेज हाथ चलाइए ना, इतने में कर लूं 5 जूते पॉलिश कर देता। कर रहे, कर रहे, टाइम पास करिए, आदमी नंगे पांव यहां खड़ा, आपको शर्म नहीं आती है? एक मिनट। बाबा जी बगल वाली से जुगाड़ कर दो। अच्छा बेटा, बाबा के माल पे नजर रखते हो। आप मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे? अपनी खुद की बेटी पे शक कर रहे हो? कैसा बाप है ये?